हेलो एवरीवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट एट आज इसमें इस वीडियो में नीट एंड बोर्ड स्पेशल क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन नंबर वन है हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन ट्वेंटी सीड्स या एम्ब्रियो या जायगोट या फ्रूट्स या फ्लार इन ए फ्रूट मतलब यहाँ पर नंबरिंग जो 120 दे रखी है वो कुछ भी दे सकते हैं या गुआवा फ्रूट की जगह वो कोई दूसरा भी फ्रूट दे सकते हैं जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है क्योंकि अगर वो सीड दे रहे हैं एम्ब्रियो जाइगोट फ्रूट फ्लावर ये तो सभी में प्रोड्यूस होगा पर अगर वो सीड दे रहे हैं तो गवावा के अलावा जिनमें भी सीड प्रोड्यूस होते हैं वो भी दे सकते हैं तो देखो ये नहीं कि इसको कैसे तुम सॉल्व करोगे कि मियोटिक डिवीजन पूछा है कि वन ट्वेंटी बाई फोर कर करके कर दो नो no, इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ सीड्स नंबर ऑफ सीड्स या ये कहोगे एम्ब्रियो जोड जो भी है इक्वल टू एन प्लस एन बाई फोर ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखोगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले लिखा हुआ है नीट एंड बोर्ड स्पेशल इसके लिए नंबर ऑफ सीड्स इज इक्वल टू एन प्लस एन बाई फोर एन प्लस एन बाई फोर का मतलब एन इज इक्वल टू जो भी इन्होंने दे रखा है नंबर तो ये वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी बाई फोर तो वन ट्वेंटी बाई फोर कितना हो जाएगा थर्टी थर्टी से ये डिवाइड होगा फोर थ्री 12 ट्वेल्व ये और वन ट्वेंटी प्लस थर्टी इज टू कितना होगा वन फिफ्टी तो इसका आंसर क्या होगा वन फिफ्टी हाउ मैनी मियोटिक डिवीजन तो तुम्हारा आंसर होगा वन फिफ्टी मीओटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड ठीक है अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी मेगा इस्पोर मदर सेल्स मदर सेल्स आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हंड्रेड मेगा स्पोर तो बच्चे ज़्यादातर क्या करेंगे कि मेगा एक मेगा स्पोर मदर सेल है मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ मैंने पहली वीडियो में डाला हुआ है कि ये मेगा स्पोर मदर सेल है जब इसमें मियोसिस होगा तो लीनियर टेट्राड में फ़ोर मेगा स्पोर बनते हैं तो वो कह रहे हैं हंड्रेड मेगा स्पोर के लिए हंड्रेड बाई फोर ट्वेंटी फाइव लिखोगे पर नो इसमें क्या होता है कि वो कह रहे हैं हंड्रेड मेगा स्पोर के लिए कितनी मेगा स्पोर मदर सेल चाहिए तो यहाँ थ्री मेगा स्पोर तो डिजनरेट हो जाते हैं फंक्शनल तो एक ही होगा तो मतलब बचा तो केवल एक ही तो हंड्रेड मेगा स्पोर के लिए मदर सेल कितनी होंगी हाउ मैनी आंसर होगा इसका हंड्रेड मेगा मदर सेल क्या होगा हंड्रेड मेगा स्पोर मदर सेल क्यों क्योंकि आउट ऑफ फोर थ्री मेगा स्पोर्स बिकम डी जनरेट थ्री डी जनरेट एंड वन फंक्शनल क्योंकि फंक्शनल तो एक ही बचा इसलिए मेगा स्पोर मदर सेल भी कितनी चाहिएगी हंड्रेड अब इसी का क्वेश्चन ये डाला हुआ है कि हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हंड्रेड माइक्रोस्पोर्स तो तुम्हें मालूम है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है जब इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ था तो ये टेट्राड बना था माइक्रोस्पोर टेट्राड, और जब ये चारों अलग हुए थे टेट्राड में तो ये फोर माइक्रोस्पोर्स बने थे मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से फोर माइक्रोस्पोर्स बने ठीक है तो वो कह रहे हैं कि हंड्रेड माइक्रोस्पोर के लिए कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए इसमें फोर से डिवाइड कर दोगे इसके लिए माइक्रोस्पोर के लिए हंड्रेड को फोर से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव माइक्रोस्पोर ट्वेंटी फाइव माइक्रोस्पोर मदर सेल मदर सेल्स आर नीडेड तो इसका आंसर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के केस में ट्वेंटी फाइव और मेगा स्पोर मदर सेल्स के केस में हंड्रेड तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चे इनको थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं आंसर गलत ट्रिक कर देते हैं तो इसको ध्यान से करना और बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो वो मैं तुम लोगों को वीडियो डालती रहूँगी ठीक है बेटा ओके थैंक यू